समय जंतर मंतर पर हूँ और एक ही ड्रेस में तमाम लोगों को देखिए, ये तमाम लोग एससी एसटी के लोग होंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और सफाई कर्मचारी हैं और रेलवे में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर। इस देश में सबसे पहले प्राइवेटाइज जो नौकरी किया गया वो सफाई कर्मचारियों का किया गया था, वाजपेयी की सरकार में हुआ था। और वो सब के सब जो है वो वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं और ये रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर हैं। राजधानी दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग सफाई करते थे। क्या नाम है भैया? कहाँ के रहने वाले हो? हरिद्वार। कितने महीना से पैसा नहीं मिला है सर? ये महीने से। कितनी तनख्वाह होती थी हमारी? 12,000। 12। क्या नाम है आपका? कुंदन। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार में कहाँ? भागलपुर। तो शेड्यूल कास्ट हो, एससी हो? हाँ। कितने साल से यहाँ काम कर रहे थे? है? कितने साल से काम कर रहे थे? करीबन तो 6 साल हो गया। तनख्वाह कब से नहीं मिल रही है? करीबन मिल तो रही है मगर बहुत आधे बंदों का, जैसे कि 3 महीने का पैसा नहीं आया हुआ है। कुछ लोगों का हाजिरी काट लिया जाता है, हमें मशीनों की तरह काम कराते, एक भी छुट्टी नहीं देता। कौन है आपका ठेकेदार? कौन है? सचिन त्यागी। क्या नाम है? सचिन त्यागी। देखिए कंपनी का नाम है एरॉन एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सपोर्ट सर्विस, और त्यागी जी को इसके ठेकेदार हैं। मैनेजर है। धमकी और दे रहे हटा देंगे काम पे से। तो सफाई के काम करने के लिए तुम लोग इतना मरे जा रहे हो, कितनी तनख्वाह मिलती है? तो इतना तो गुटखा बेच लोगे दिल्ली में तो 15,000 रुपए कमाओगे। छुट्टी भी कट जाती है हमारी, काम करते हैं छुट्टी भी कट जाती है। जो गुटखा खाते हो इसका दुकान खोल लो। अगर हमारी तबीयत खराब होता है एक दो छुट्टी डालते ना, वो 4-5 काट देते। देखिए किस तरह से सारे शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, महिलाएं भी, आप लोग भी काम करती हैं इसी में। कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली है जी? हमारे 3-3 महीने हो जाते हैं। तो सफाई का काम छोड़ क्यों नहीं देती हैं आप लोग? फिर कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे, भूखे मरेंगे जी। 12,000 में तो कोई और काम कर लेगा। क्या काम करेंगे सर? सफाई के अलावा कुछ और बता दो। कोई काम नहीं आता आपको? घर में काम करने आता है? घर में तो हर ही कोई करता है, घर में कौन नहीं करता अपने घर में? अरे दूसरे के घर में सफाई का काम कोई काम है? छोड़ दीजिए, 2 महीना में, पहले बात सुनिए पूरी, 2 महीना में स्टेशन जब महकने लग सड़ जाएगा ना, तो 50,000 रुपया तनख्वाह पर आपको बुलाएगा। आप लोग पहले छोड़ के तो देखिए। अब ये हम छोड़ दिया, इन्होंने कर लिया, इन्होंने छोड़ दिया, इसने कर लिया। ये हालत है इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों की कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहले इनको नौकरी मिलती थी, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया। इस देश में पहली नौकरी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हुई थी वो सफाई कर्मचारियों की। गुजरात मॉडल है ये सब। गुजरात में पुलिस की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, 5,000 रुपये कॉन्स्टेबल, 12,000 रुपये SHO। और यहाँ सफाई कर्मचारियों का पूरे देश में यही हाल है। और ये देश इसी तरफ बढ़ रहा है, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपको रूपरेखा दिखा रही है। तमाम लोगों को पता नहीं होगा GDP क्या है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है। ये TV अखबार जो रोज़ आपको दिखाता है ना, उनका इतना पेट भरा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तमाम कर्मचारी है, ये सब शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे। कोई त्यागी जिनका ठेकेदार है, कितने दिन से बहन जी नहीं मिली है सैलरी? 3,500 काट लेते हैं, 3,500। इस वर्दी के 3,000 रुपये काट रहे हैं। बताओ बताओ सर, छुट्टी कोई नहीं है? कोई है आपका नेता? है कोई नेता? तो सब सब। अरे यार, तो आप लोग सफाई का काम छोड़ दो, एक महीना तो सब काम करेंगे और कोई काम नहीं आता आपको? अपने अपने घर चले जाओ यार। अरे भैया, एक महीना, अरे 12,000 में कौन सा भी बच्चा पलता है यार? अरे कोई 12,000 पर सफाई का काम नहीं करेगा भाई। क्या हाल है? पिछली बार नेताजी भी आए थे, उन्होंने कही थी कि भाई DRM साहब कह रहे हैं 4 रेस्ट भी देंगे और टाइम पे सैलरी मिलेगी, ठीक है, और 1 से 7 तक सैलरी बोला था उन्होंने, और 4 रेस्टों के लिए बोला था। पटरियों पर सफाई आप ही लोग करते हैं? यानी रेलवे स्टेशन के अंदर, हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पटरी सब हमारा ट्रैक पे, पूरे स्टेशन के अंदर हमारा काम है सफाई। ऐसा प्राइवेट किसी की सरकारी नौकरी नहीं, किसी की ठेकेदार में 10-10 साल हो रहे लोगों के, सारा प्राइवेट, अगर कोई वैल्यू नहीं है। और कहता है कि भाई काम करना करो, नहीं वर्दी उतारो और जाओ यहाँ से बाहर भाग। 10 साल बंदे काम करने वाले को कोई वैल्यू नहीं है। काम करने वाले बोल रहे जाओ।
बताइए, अद्भुत है ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सफाई कर्मचारी जो एडहॉक पे हैं, हमारे मैनेजर को बोलने की तहजीब नहीं है हमारे साथ, कैसे बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल है। क्या करते हैं आप? सफाई करता हूँ सर। कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? हमारे यहाँ 300-350 आदमी काम करते हैं। तो कितने, क्या प्रॉब्लम क्या आप? प्रॉब्लम ये है सर कि हर महीने 15 तारीख के बाद में सैलरी देते हैं और कोई छुट्टी नहीं मिल रही हमें, बोला काम करो। और हमने अगर एक महीने में 30 दिन काम किया है तो हमें दो। और वो आप लोग किसी को जानकारी है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सरकार से कितना पैसा लेता है? नहीं, हमें किसी को कोई जानकारी नहीं है, ना बताइए किसी ने हमें। तो किसी एसोसिएशन, क्या है आपकी जानकारी होगी? हाँ, हाँ। बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये IRCTC से इन्होंने केस जीता है, अपनी नौकरी परमानेंट करवाई है। कितना पुरंगठा लगवाता होगा इन लोगों से? एक्चुअल में क्या है ना, ये रेलवे के अंडर काम करते हैं, तो रेल जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और मुझे याद है 2013 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो न्यूनतम वेतन था करीब 7,000 कम से कम था। उस टाइम मैंने 2013 में जनहित याचिका किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में करने के बाद 4 साल केस लड़ने के बाद 7 में क्या हुआ था, माननीय कोर्ट ने कहा जो जिस विभाग में काम करते हैं उसका जो सबसे कम वेतन है वो कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए, अगर कुछ विभागीय कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करता है तो खैर उसको नहीं माना उन्होंने, लेकिन जो न्यूनतम वेतन है उसको 40% बढ़ा दिया। और 40% बढ़ाने के बाद उस समय 14,000 हो गया था न्यूनतम वेतन, जो कि दिल्ली सरकार हो गया था ये 2017 में। 2017 में, हाँ। 2017 में अभी अब उसको जो BDA वगैरह लगता है 6 महीना पे उसको भर के 15,146 कम से कम है, जिसमें से आपका PF कटेगा, ESI कटेगा। अगर PF कटता है तो आपका हिस्सा केवल, एम्प्लॉयर अपने तरफ से जितना काटेगा उतना एम्प्लॉयर जमा करेगा, तो कम से कम आपको अगर PF कट रहा है तो 15,000 में जोड़ लीजिए, जितना PF कट रहा है उतना काट के आपको मिलना चाहिए। और बाकी जो छुट्टी वगैरह है कितना मिलता है इन्हें? हमें 12,000 रुपये मिलता है हाथ में, कट कुट के 12,000। ये है 5। अच्छा, इसमें कोई BA पास है, ग्रेजुएट है? नहीं सर। देखिए, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछली जाति के लोगों को इसीलिए, रुकिए भैया, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है कि वो सफाई का काम करें। अच्छा, एक बताइए, आप लोग सफाई का काम छोड़ देंगे तो स्टेशन पर बदबू फैल जाएगी, तो छोड़ का नहीं देते हैं? 12,000 में तो आदमी कुछ और काम कर लेगा भैया, 12,000 तो आ जाएगा। 10 साल से हम वही काम कर रहे हैं, काम कर नहीं सकते हम। हम यहाँ बैठे, अरे कौन सफाई का काम करना चाहता है भाई? इतना सफाई का काम करने के बाद भी हमारे बच्चे भूखे रह रहे हैं तो क्या फायदा बताओ ऐसी सरकार का? उन्हें भी तो पैसा नहीं होगी, फिर आप बोलोगे उन्हें भी छुड़वा, बात तो वही आ जाएगी। इतनी सेवा करते हैं हम कि गन्ने में भी रस रह जाता है, हम में रस नहीं रहता कि घर जाके हम कुछ काम कर सकते हैं। सुबह 6 बजे लगते हैं और मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं तुम काम नहीं करे, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये करो, फिर 3-3 अब्सेंट है पूरे महीने काम करते, फिर 3 अब्सेंट, किसी की 4 अब्सेंट, किसी की सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, पीछे 20-20 दिनों की सैलरी नहीं आई है कई लड़कों की। यहाँ ये कोर्ट में नहीं जा सकते लोग? बिल्कुल जा सकते हैं कोर्ट में। इनको अभी जैसे मैंने इनका नंबर लो, इनसे मदद लो, इन्होंने खूब लड़ाई लड़ी है। इनको सबसे पहले क्या करना होगा, कम से कम अपने मैनेजमेंट को, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको एक चिट्ठी लिखना होगा, क्योंकि अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसमें रूल क्या है बता रहा हूँ। रूल ये है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एक आदमी डिप्यूट होता है जो कि आपको आपके सामने सैलरी दिलवाएगा ठेकेदार से, अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं तो अपने सामने दिलवाएगा, उसके सामने वो देना होगा, और 7 तारीख तक आपको कम से कम सैलरी मिल जाना चाहिए हर महीने रील के रूल के हिसाब से। अगर नहीं मिलता है या फिर आप कह रहे हैं 6 महीने से नहीं मिल रहा, 3 महीने से नहीं मिल रहा, तो इसके लिए बगल में पार्लियामेंट थाना के सामने जो जीवनदीप बिल्डिंग है वहाँ रीजनल लेबर कमीशनर सेंट्रल का ऑफिस है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार में नहीं आते हैं याद कीजिए, क्योंकि कई जगह आपको कहेगा भाई दिल्ली सरकार में आते हैं, दिल्ली का सरकार का आपको न्यूनतम वेतन, क्योंकि रूल है जो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और स्टेट गवर्नमेंट अलग न्यूनतम वेतन निकालती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग निकालती है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। और अभी दिल्ली सरकार का 14,000 रुपया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंटर स्फेयर का निकलता है वो 15,100 समथिंग है, 46 हो या कुछ हो, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मेरे पास। इन लोगों को क्या करना चाहिए? इनको कम से कम एक लेटर लिखना चाहिए अपने विभाग को, जो मुख्य नियोक्ता है स्टेशन प्रबंधक को लिखना चाहिए, उसका कॉपी ला करके यहाँ रीजनल लेबर कमिश्नर के यहाँ एक कंप्लेन लगाना चाहिए, और अगर आपका कोई यूनियन है तो यूनियन के माध्यम से आप इस बात को है। यूनियन यूनियन कौन है आपका, कौन अभी कौन नेता था, इनसे संपर्क करो भाई। तो ये हालत है इस देश में, सबसे पहले इस देश में प्राइवेटाइज किया गया था सफाई कर्मचारियों की नौकरी, और वो सब के सब शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं और वो मरने को मजबूर है।
इनकी तनख्वाह इतनी इसलिए कम कर दी जाती है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बने रहे हैं। कोई इनकी सूद लेने वाला नहीं है। और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, टीवी देखते हैं कि नहीं? खूब मोदी में मज़ा आता होगा? नहीं आता है? अब नहीं आता। पहले आता था, मुसलमान को मारने में भी मज़ा आता होगा। तो ये हालत है इस देश में, बेरोजगारी इसका दर है। देखिए, तमाम युवा हैं जो चाहते तो पढ़ लिख के इस देश को मजबूत बना सकते थे, इन सबको इस तरह से सफाई कर्मचारी बना दिया गया। आप लोग मदद लीजिए इनकी, जो कह रहे हैं ये इन्होंने लड़ाई लड़ी है, इनकी मदद कीजिए थोड़ा। तो ये सारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, रेलवे में ढोक पे सफाई कर्मचारी हैं, और इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा जो SC ST एसोसिएशन चलाते हैं कि वो उनकी क्या राय है इस पर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।